नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के गायब होने के सवाल पर एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है। ददन पहलवान हैं, जदयू के विधायक हैं, वो सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव के बिहार विधानसभा की कार्रवाई में नहीं पहुंचने को लेकर के। दरअसल पहले तेजस्वी यादव गायब रहे और उसके बाद जब वो आए भी तो एक और दो दिन के सदन को अटेंड करने के बाद एक बार फिर से वो लापता हो गए हैं। लापता इन सेंस में कह रहे हैं क्योंकि वो विधानसभा नहीं पहुँच रहे हैं और उनके विधानसभा नहीं पहुँचने पर जदयू के जो विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ददन पहलवान है वो तेजस्वी यादव पे गरम दिखाई दिए, वहीं तेज प्रताप यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे तेज प्रताप यादव पर फक्र होता है। सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं ददन पहलवान। देखिए, तेजस्वी के तो शिवानंद तिवारी जी बहुत बड़ा नेता है बिहार के, और रघुवंश सिंह है, वही लोग बोल दिए कि यह जन नेता नहीं है, यह हवा में आया था, हवा इसका निकल गया, इसलिए बिहार छोड़ के, मतलब कि इसको रहने की इच्छा नहीं करती, इसलिए कि 15 साल ही लोग राज किए हैं बिहार में। अब 15 साल के अंदर बिहार की इतना भारी दुर्दशा हो गया कि उसका कोई सीमा नहीं। चाहे नरसंहार की बात धरिए, या आपका दंगा के बात धरिए, या अपहरण की बात धरिए, या तरह तरह के घोटाला की बात धरिए, या आपका रोड की दुर्दशा, संडे की दुर्दशा, स्कूल की दुर्दशा, बड़ा बड़ा अत्याचार से बिहार झेला था, इसलिए उन लोग के परिवार पर बिहार की जनता कभी विश्वास नहीं कर सकता। तेज प्रताप खूब रूप बदल रहे हैं, कभी कृष्ण, देखिए कभी शिव रूप में, कभी। तेज प्रताप तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं और तेज प्रताप को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वैसे परिवार में आप इतना बड़ा महात्मा हो गए, जिसको पूरे आपका मिथिला से लेकर आपका जो हमारा वृंदावन इलाका है, हर जगह इनका नाम है। तेज प्रताप को हम सम्मानित करते हैं कि साधु महात्मा है उनकी। तेज प्रताप कसरत कर रहे हैं, बोलिए, बोलने दो, राजनीति छोड़ रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब कोई राजनीति कर सकता है, इसलिए कि उन पर थोड़ा कठिनाई है, उनको मजबूत रहना जरूरी है, उन पर परिवार के ही और जो पार्टी में भी कुछ लोग हैं उनको पार्टी से दूर करना चाहते हैं, इसलिए वो अच्छे काम कर रहे हैं। कसरत करके मजबूत रहना चाहिए, मजबूत के ही जमाना है। उनके आध्यात्मिक प्रवृत्ति के चलते आप उनको सम्मानित करेंगे? अरे, महात्मा साधु संत के कौन नहीं सम्मानित करेगा, ये आपसे मैं, हम तो धार्मिक इलाका में हैं, बक्सर जिला मेरा घर है, अब बक्सर जिला के लोग जो धार्मिक साधु संत बन जाते हैं उनको हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा काम किए, उनका कार्य का हम सम्मान करते हैं। 2002 में सर एक धार्मिक, तो ददन पहलवान जिस तरह से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कोई नेता थोड़े ही ना है, इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव के सवाल पर, उनके आध्यात्म से जुड़ने के सवाल पर ददन पहलवान ने कहा कि तेज प्रताप यादव अच्छा काम कर रहे हैं, वो अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, वो परिवार में सबसे अलग हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं उनके साथ हूं। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव पर नरम क्यों हैं, ददन पहलवान और तेजस्वी यादव पर इतने गर्म क्यों हैं। सवाल तो उठना लाजमी है क्योंकि तेजस्वी यादव एक ऐसे पद पर हैं जो कि बिहार में विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने विपक्ष के विधायक खड़े होकर के बोल रहे होते हैं तो उस दौरान तेजस्वी यादव को भी असेंबली में होना चाहिए। और लोग इसी को लेकर के सवाल भी कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे, IRCTC स्कैम मामले में उनकी पेशी हुई थी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, और उस कोर्ट में पेशी होने के बाद तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया और अब तक वो विधानसभा में दिखाई नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे हैं। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हमको बिहार से, हमें देश दुनिया की तमाम खबरों पे लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।